हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कैसे करें। अगर इससे पहले नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जानेंगे किन किसान भाइयों को करना होगा अपने आधार कार्ड को वेरीफाई। सबसे पहले अपना कोई सा भी आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल सी लिंक में टाइप करना है PM किसान। टैप करने के बाद एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑफिशियल साइट आ गया है https://pmkisan.gov.in। इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, तो नीचे तरफ भी स्क्रॉल करिएगा तो वहाँ लिखाया है बेनिफिशरी स्टेटस। एक बार इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ लिखाया है आधार कार्ड और अकाउंट नंबर। तो मैं आधार कार्ड से करने वाला हूँ, तो आधार कार्ड अपना एंटर कर देना है। तो मैं एंटर कर देता हूँ। इतना करने के बाद गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। एक बार इनवैलिड आधार कार्ड मेरा गलत है तो फिर से लिख लेता हूँ। करने के बाद ये डाटा पे क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिला। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये अपना नाम आ जाएगा, फार्मर का पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर लेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेमेंट आधार मोड, जो कि इस बार का पैसा आया है PM किसान की ओर से, तो जिसका आधार लिंक होगा उसी के खाता में गया होगा पैसा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखाया होगा अकाउंट मोड, तो इसको वेरीफाई करना होगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखाया होगा आधार नंबर इज़ वेरीफाइड, तो यहाँ पे मेरा वेरीफाई है इसलिए मेरे को करना नहीं पड़ेगा इसको। जिसका यहाँ पे आधार कार्ड इज़ नॉट वेरीफाई लिखाया होगा उसी को सिर्फ करना होगा अपना आधार कार्ड को वेरीफाई। तो आज की वीडियो में यही बताना चाहता था, बताना चाहता हूँ किस तरह से कर सकते हैं आप इसको वेरीफाई। चलिए जानते हैं। तो बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ लिखाया है एडिट आधार फल्चर रिकॉर्ड, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो मैं कर देता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ चार तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और फार्मर नाम, चार चीज़ों से आप कर सकते हैं वेरीफाई। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। इतना करने के बाद कैप्चा डाल देना है। इतना करने के बाद सर्च पर एक बार क्लिक कर देना है। इतना ऐसे जब करोगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ रिकॉर्ड नोट फाउंड आया है, यहाँ तो पूरा डिटेल शो हो जाएगा। शो होने के बाद वहाँ पे एडिट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।